Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. तो अभी हम कर रहे हैं नाश्ता. मैंने अंडा और गर्म पानी और ये अभी चाय पी लिया है और अभी बना रहे हैं मछली फ्राई कर रहे हैं. और ये मछली फ्राई करना हो ही गया है और ये सब्जी वगैरह घर की ही है तो मैं काट के दे रही थी. अम्मा सब्जी बनाएगी अभी और यहाँ मैंने मटन बनाने के लिए कुकर ये चूल्हे पे चढ़ा दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं ऑयल यूज़ करूँगी क्योंकि करी बना रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल देना पड़ेगा और मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है. यहाँ मैंने प्याज डाल दिया है और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया था. जब मटन को मैंने मेरीनेट किया था ना तभी मैंने डाल दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के. तो मैंने मेरीनेट करके रखी हुई थी तो यहाँ पे सिर्फ मैंने प्याज को फ्राई कर दिया थोड़ा सा हल्का सा. और ये हमारा मेरीनेट किया हुआ मटन और ये मैंने मटन को डाल दिया क्योंकि मेरे पास स्टैंड मतलब जो है ना वो ज़्यादा काम नहीं कर रही थी तो मैंने हाथ से ही वीडियो बनाया अकेले अकेले. और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है. कुकर पे बनाऊँगी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली. अच्छे से अगर हो जाएगा तो ऑयल अपने आप ही मतलब इससे मतलब ऑयल निकल जाएगा. और यहाँ पर खाना वाना खा के अब्बा चले गए हैं तो मैं ऐसे बैठ रही थी. अच्छा भी नहीं लग रहा था तो. और ये मैं मेरे पास थोड़ा सा टाइम निकल गया था तो मैंने किचन की थोड़ी सी काम थी तो वो भी काम कर ली थी. कोई भी घर पे नहीं थी तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ काम ही कर लिया जाए और बाद में नहा लेंगे. तो मैंने ये साफ़ सफाई का जो काम है वो मैंने कर लिया. आज है नेक्स्ट वाला डे और अभी सुबह का 6 बज रहे हैं और मैं चाय नाश्ता कर चुकी हूँ. तो अभी जो सुबह का रेगुलर रूटीन का काम है मैं वो कर रही हूँ. और ये मैंने अपना बिस्तर अच्छे से साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया है. और जो सुबह का काम होता है ना वो सुबह ही करना अच्छा होता है. और रूम हमेशा क्लीन ही रखना चाहिए और अपने मतलब देख के फ्रेश फील होता है अगर रूम क्लीन हो सब काम. तो मैं 8 बजे से पहले ही मैं कपड़े धो के सुखा देती हूँ वरना क्या होता है कि सारे काम मतलब उल्टा पुल्टा हो जाते हैं. और मतलब जो भी काम होते हैं वो जल्दी करना चाहिए. मैं जल्दी कर लेती हूँ. और अभी सुबह का 10 बज रहे थे तो हमने सोचा कि थोड़ा सा सेवई बना लेते हैं और ये हम लोग सेवई बना के अभी परोसने वाले हैं. कभी कभी अच्छा लगता है ना ऐसी मतलब चीज़ें खाने से तो अच्छा लगता है. और हमारे घर पे मतलब ज़्यादा मतलब ये ऊट पटांग चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे कि कभी चाट कभी ये कभी वो. पसंद है हमको मतलब शायद आप लोगों को पसंद हो या ना हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में. और आज बनाने वाली है अम्मा बनाने वाली है एक्चुअली मैं नहीं बनाने वाली. ये है ड्राई फिश और ये ड्राई फिश की चटनी बनाने वाले हैं. और अच्छे से गर्म पानी से धो लिया है और इसमें लहसुन डाला है प्याज काट के दिया है लहसुन को ऐसे ही दिया है. और यहाँ पर थोड़ा सा हरी मिर्च भी है और इसको मतलब हम पेस्ट बनाएंगे अभी ग्राइंडर में. और इसको अच्छे से ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बनाना है और बाद में तेल में थोड़ा सा तेल देके उसको फ्राई करना है. और फ्राई करने के बाद इतना अच्छा स्मेल आता है ना और इतना अच्छा टेस्ट भी आता है. और अभी बनाने वाले हैं ये साग. और ये साग बनाने के लिए हमको नींबू पता चाहिए क्योंकि नींबू
जो नींबू का जो पत्ता है ना, इसका बहुत ही अच्छा स्मेल आता है। और ये मैं अच्छे से धो रही हूँ और यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और मैंने एक नींबू भी लिया था तो फिर से तो मैंने ये नींबू भी काट लिया है। और अभी नहाने से पहले मतलब थोड़ा सा काम बाकी था, तो घर की साफ़ सफाई तो वो भी कर रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद यह सब अच्छा नहीं लगता झाड़ू पोछा लगाना। सुबह हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, मतलब 5 बजे के पहले ही उठ जाते हैं सब लोग, नमाज वमाज पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए हमारे घर पे मतलब जो भी काम होते हैं ना, और हमको मतलब ऐसा लगता है कि पूरा दिन जाता ही नहीं है, और काम मतलब जो भी होता है वो जल्दी निपटा लेते हैं। तो ये मैंने सारे घर को झाड़ू लगा दिया है और सिर्फ यही रूम बाकी थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं। तो यही मैंने अच्छे से झाड़ू भी लगा लिया। और अभी नहा के आके अभी सब लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। और यहाँ पे साग है, वो ये है खीरा, और ये है दाल, और यह चटनी। और अभी हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद देखा कि मौसम इतना मतलब अच्छा हो रहा था कि बारिश बारिश हो रही थी, तो थोड़ा सा छत पे आ गई कपड़े वपड़े लेने के लिए। तो देख रहे हैं कि मौसम कितना ही अच्छा है। और आज की वीडियो इसी पे एंड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिएगा।